Jatin, over to you. What's happening in Ahmedabad? कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ जो देख रहे हैं अहमदाबाद के अंदर भी जो बीजे मेडिकल जो कॉलेज है यहाँ पर जो है वो तकरीबन 10 बजे के आसपास ही ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। जो कोलकाता में जो जो ये घटना जो घटित हुई है उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया गया है। अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है उसमें अभी जो जो कह सकते हैं कि जो ओपीडी है उस यहाँ पर भी ओपीडी जो है उसको बंद रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तकरीबन आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ की जो तकरीबन 400 से 500 जितने जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो इनके एक जो एक है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या एक तो जो कोलकाता में जो घटना घटित हुई आपकी क्या डिमांड है और क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से। 9 अगस्त की रात को जो रेपिड मर्डर केस हुआ इसके बाद हम शांतिपूर्ण से हमने कैंडल मार्च किया था, छोटा सा प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद भी 14 अगस्त की नाइट को जो पूरा मॉब अटैक हुआ 1500 से ज्यादा लोगों ने आके एविडेंस को प्रमोट करने की कोशिश की तो उसके अगेंस्ट में अपने को जो वहाँ पे जो उन आरजीगर मेडिकल कॉलेज रेसिडेंट डॉक्टरों की जो डिमांड है उसके साथ ही हम खड़े हैं। उसकी डिमांड ये है कि जो कोलकाता पुलिस की हाजिरी में भी मॉब अटैक हुआ था तो इसकी डिमांड ये है कि सीआरपीएफ फोर्स आए और उसको प्रोटेक्शन मिले क्योंकि इतने लोग कोलकाता पुलिस थी फिर भी जो एविडेंस को गुमराह करने के लिए पूरा नोर तोड़ दिया गया जो 1500 लोगों का मोब आया उसके बदले में सीआरपीएफ फोर्स मिले, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जल्दी से जल्दी कल्प्रित को कैपिटल पनिशमेंट का डिसीजन आए। अच्छा, एक तरफ सरकार से अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, एक तरफ देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो अपनी ओर से कई बार पूरी कोशिश कर रही है, कई बार क्या होता है कि पब्लिक की कई जैसे जो जघन्य अपराध करने वाले लोग है उनकी मानसिकता भी सरकार को कुछ करके सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, पब्लिक की कहीं ना कहीं मानसिकता का भी परिणाम है, ऐसा जघन्य हीनस क्राइम है जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तरह से पब्लिक की मानसिकता का भी जवाबदार है। अच्छा, यातायात अगर सुविधाएं की अगर किसी दर्दियों को जरूरत पड़ी तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? अभी हमारे पास 1500 रेसिडेंट डॉक्टरों की फोर्स की टीम है, उसमें से हम यहाँ 700 जितने डॉक्टर यहाँ है और 750 से 800 डॉक्टर अभी इमरजेंसी में ट्रॉमा में कहीं कहीं वार्ड में जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पे रुके, तो इमरजेंसी सर्विसेज कभी भी बंद नहीं होगी। हम दर्दियों के लिए यही जी रहे हैं और हम दर्दियों के लिए यही मरने वाले, तो हम जो आसपास के स्टेट से भी यहाँ पेशेंट आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमने पूरी जो इमरजेंसी कोई भी पेशेंट आए इमरजेंसी कोई भी ऑपरेशन हो तो उसमें खलेल ना पहुंचे इसलिए हमारी आधी फोर्स वहाँ है और आधी फोर्स प्रोटेस्ट में यहाँ पे है, ये शिफ्टिंग करती रहेगी, ये फोर्स इमरजेंसी में फिर यहाँ से आएगी और यहाँ की फोर्स इमरजेंसी में जाएगी। ये हमारा अच्छा, कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहे? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ये घटना हुई है वहाँ पे उसको पूरा सीआरपीएफ का उसकी जो डिमांड है कई डिमांड है उसमें एक डिमांड ऐसी है कि सीआरपीएफ कोर्स मिले उसको, ये फिर उसके लिए एक सेंट्रल एक्ट आए जो पूरे भारत की महिलाएं जो डॉक्टर परिसर में काम कर रही है उसके लिए एक सेंट्रल एक्ट आए या फिर जो एक्ट है उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सको ऐसा है और ये अगली बार ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हमारा ये प्रोग्रेस है और जब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज को न्याय मिल जाएगा तो उस दिन से हम वापिस पूरा वर्क शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा जो इनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हुई तब तक ये जो प्रोटेस्ट जो है इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जो है वो चलता रहेगा। हालांकि जो यातायात जो सुविधाएं हैं वहां उसमें किसी भी प्रकार से जो है वो खलेल नहीं पहुंचेगी, लेकिन जितने भी जो यातायात के जो दर्दी आएंगे उनको पूरी तरह से सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएगी, लेकिन ओपीडी जो है उसको अभी फिलहाल के तौर पर जो है जब तक इनकी जो डिमांड है जो जो एक्ट जिसको पूरी तरह से अगर जो कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो ओपीडी की जो सेवाएं है वो इनके द्वारा जो है वो बंद रखी जाएगी। 500 से 600 जितने अभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करें लगातार बारी बारी जो है वो अदला बदली करते रहेंगे क्योंकि किसी भी प्रकार से यातायात की सुविधाएं बंद ना हो सके। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.